थैंक यू मनोज सर। सबसे पहले सभी को जय भीम। सम्मानित मंच, सम्मानित श्रोतागण, आज मेरे सामने बहुत सारे ऐसे ऐसे व्यक्ति बैठे हैं जिनसे मैंने कुछ ज्ञान लिया है, उनको देखकर आज गाने में अपनी पहचान बनाई है, तो उन सबका भी धन्यवाद। मैं बस अपनी डायरेक्ट टॉपिक पे आता हूँ, युवा कैसे करें बहुजन आंदोलन में योगदान। सबसे पहले मैं बात करूँगा युवाओं की। युवा के बारे में सभी जानते हैं, युवाओं के आंकड़े अगर भारत सरकार द्वारा निकाले जाएँ तो भारत सरकार की तरफ से अगर युवा जो बताया जाता है 15 से 35 साल तक होता है। दूसरा होते हैं राजनीतिक युवा, जो आप देखते हैं कि उनकी जो एज होती है 60 साल तक भी होती है। मैं तीसरी बात करूँगा जो अपने सामाजिक युवा, जो बहुजन युवा है, इनकी कोई उम्र नहीं होती। ये जब तक इनके आते मैदान के अंदर, इनके अंदर चेतना होती है, काम करने की इच्छा होती है, वो तब तक युवा रहते हैं। और आज हमारा आंदोलन चल रहा है उन्हीं युवाओं के थ्रू चल रहा है। युवा के पास एक लंबा अनुभव होता है, एक लंबा समय होता है, एक एनर्जी होती है, शक्ति होती है, उसके पास अतीत का ज्ञान होता है, वर्तमान में उसको लेकर शक्ति के तहत वो आगे काम करता है। और फिर हम बात आते हैं कि यहाँ पर जो बहुजन आंदोलन को आप देखेंगे कि बुद्ध से लेकर रविदास, कबीरदास, मान्यवर काशीराम और वर्तमान बहन जी और हमारे जिग्नेश या चंद्रशेखर, ये सभी युवा हैं। तो युवा अपने आप में एक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। बहुजन जो बुद्ध जी, वो भी अपने युवा काल में ही आगे बढ़े और उन्होंने पूरे देश को गौरवान्वित किया, ज्ञान से प्रकाशित किया। उन्होंने कहा था आपको देखो भाव, अपने जो ज्ञान का प्रकाश कर प्रकाशित करो, पूरे देश को, समाज को प्रकाशित करो। इस तरह के जो युवा शक्ति होती है हमारे बीच में, हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। और मैं आपके बात करूँ बहुजन, जो हमारा युवा बहुजन आंदोलन में अपने कैसे अपना सहयोग कर सकता है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात है, बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्ष के लिए। और जो पहला हमारा जो काम है, जो बहुजन युवाओं को स्वयं के लिए शिक्षित होना है, वो शिक्षित होना नहीं जो कि कहते हैं कलाम साहब कहते हैं कि आज की जो शिक्षा हो रही है वो नौकर बनाने के लिए होनी हो रही है। मैं तो हमें नौकर नहीं बनना है, हमें समाज के अंदर ऐसे युवाओं को तैयार करना है जो हमें जो बहुजन जागृति को तैयार करें। और फिर इसी तरह के सबसे पहले शिक्षित होकर हमें संगठित होने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में हमें क्या है कि हम जो अलग अलग जगह बिखरे पड़े हैं और ये हमारी जो ताकत है ब्राह्मणवादी ताकतें हैं, हमें क्या क्या अलग अलग करी जा रही है। जब तक हम उसमें शिक्षित नहीं और संगठित नहीं होंगे तो हम अच्छी तरह योगदान नहीं दे पाएंगे। और दूसरा कि हमें संगठन बनाने की जरूरत है। आज देश के अंदर अलग अलग संगठन है, संगठन कैसे होने चाहिए, बहुजन विचार से प्रेरित होने चाहिए। जब तक हमारे अंदर बहुजन विचार हमारे अंदर नहीं आएंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा साहब ने 1928 में पुणे के अंदर ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास स्टूडेंट यूनियन बनाई थी, जो कि उस समय बाबा साहब ने कहा था हमारे युवाओं को सबसे पहले तो अपनी शिक्षा की तरफ ध्यान देना, उसके अलावा अपने जो ऐशो आराम उनको छोड़कर हमें अपने पे बैक टू सोसाइटी, जो बाबा साहब का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था पे बैक टू सोसाइटी, मुझे लगता है कि अगर हम अपने पे बैक टू सोसाइटी को समझ लें तो हम जो इस बहुजन आंदोलन में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो हमारी जो सबसे बड़ी बात है कि हमें संगठित होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे विभिन्न हमने शिक्षा तो हासिल कर लेते हैं लेकिन हम वो शिक्षा हासिल नहीं कर पाते जिससे हमें समाज को बदल सकें। आज आपने देख लिया कि IAS IPS की संख्या तो बहुत बढ़ गई है, हमारे अलग अलग लेक्चर प्रोफेसर बहुत बड़े, लेकिन आप देखते हैं वो जो आंदोलन में कितने हैं, बहुत कम। तो जरूरत है उस बहुजन शिक्षा की जरूरत है, और वो खासकर युवाओं और युवा अगर शुरुआत से इस चीज़ को प्रण लें वो कि बहुजन शिक्षा हमारे बहुजन नायक नायिका उनकी शिक्षाओं को लेकर आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात है कि हमें आपसी एकजुटता बनाने की बहुत जरूरत है। हमारा समाज बहुत बिखराव में है, तो बस मैं ज़्यादा अपनी बात नहीं लाऊंगा, हम जो बिखरे हैं जब तक हम एकजुट होकर अपनी जो हमारी शक्तियाँ बिखरी हुई हैं जब तक हम आगे आए और उन आगे शक्तियों को एकजुट करके एक मुट्ठी, जिसे कहा जाता है कि हमने शुरुआत से हम समझते हैं कि एक एक लकड़ी को कोई भी तोड़ देता है, बहुजन समाज जो है कहने को 85% है लेकिन बिखरा हुआ है। अगर हम अपने 85% जो पूरा युवा, उसमें खासकर युवा अपनी जिम्मेदारी समझ लें, क्योंकि आज का जो दौर है फेसबुक व्हाट्सअप ऐसी चीज में आ गया, हमारा युवा इसमें ज़्यादा बहकता जा रहा है। और दूसरा भारत सरकार द्वारा यहाँ पर अंबानी या दूसरे इनके द्वारा जो फ्री में डाटा देने की परंपरा हो रही है उसमें हमारा युवा बहक रहा है। तो हमें खासकर उनकी जो बेकार चालें हैं उनको भी समझना पड़ेगा कि हम जो फ्री के डाटा से हटके अपने जो बहुजन नायक नायिका उनके विचारों को समझें। और जो आज हमारे समाज
क्योंकि वास्तव में हमें बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। समाज हमारा इसलिए बिगड़ रहा है, नायक नायक को हम नहीं समझ रहे, तो हमारे जो युवा है भटक रहे हैं। तो मैं अंत में अपनी बात कहूँगा कि हमारे अपने युवाओं को सबसे पहले स्वयं को शिक्षित करना पड़ेगा, फिर अपने जो ऐशोआराम को छोड़कर समाज में आना पड़ेगा, और जो समाज के अंदर जितने भी जो व्यक्ति बिगड़े हैं सबको एकजुट करना पड़ेगा, और आपसी विश्वास के साथ ये प्रण लेना पड़ेगा। जब तक हम 85% के उदाहरणों को लेकर आगे बढ़ेंगे और अपने जो नायक नायिकाओं के जो सपने, तभी हम उनके सपने को पूरा कर पाएंगे, तभी बहुजन आंदोलन को वास्तविक रूप से अंदर एससी ओबीसी और माइनॉरिटीज को हम लेकर आगे चलेंगे। थैंक यू, जय भीम। मरने को तो मर भी जाऊं, कोई गम नहीं और कोई रंज नहीं, पर ये साबित तो हो कि जिंदा हूं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फर्स्ट स्टेटमेंट भी मेरे टॉपिक पे ही था, और मेरा टॉपिक है आज का कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ बहुजन इन्वेस्टमेंट। ये हमारा कल्चरल और पॉलिटिकल जितना डिस्कशन है, जितना वेस्टेज है, वो कहाँ पे है। मेरा एक छोटा सा स्टडी है, और ये सारा का सारा सर मैं हमारे रिस्पेक्टेड जिन लोगों को सुन सुन के हम यहाँ बड़े हुए हैं, वो सब लोग सामने बैठे हुए हैं, और ये मेरे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं कुछ एक दो लाइन आप लोगों के सामने कह पा रहा हूँ। आई एम ओनली द फर्स्ट पर्सन इन इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन इलेक्टेड मेंबर इन मोर ओनली 8 मेंबर्स इन ऑल ओवर इंडिया। आपने देखा होगा कि हिस्ट्री कल्चरल फेस्ट होता है जयपुर में, उसी तरीके का उनका बजट होता है 1 करोड़, हमारा इंडियन कॉमर्स एसोसिएशन का बजट होता है 9 करोड़, एंड देयर इज मोर देन 30,000 मेंबर्स। तो आई एम ओनली 1 पर्सन ऑन दैट टाइम कि कंटेस्ट किया मैंने इलेक्शन और जीत गए। अंदर जाके ये फील हुआ कि व्हाट इज द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट प्रेजेंट इन कल्चर एंड इन पॉलिटिक्स। आपका इन्वेस्टमेंट का रोल कितना है, बहुत कम टाइम लूंगा सर, कन्फर्म है मुझे, और ये मैक्सिमम मैं बोल भी इस पा रहा हूँ कि रतनलाल सर के पास जाते थे, रतनलाल सर बार बार एक ही बात बोलते थे कि आप कुछ बोलने से पहले थोड़ा पढ़ के आओ, और सर उसका एक रिप्लाई है मेरे पास, मैं आज जो बोल रहा हूँ पढ़ के बोल रहा हूँ। फर्स्ट लाइन स्टार्ट करूँगा हमारे डीडी के मेंबर से ही, थैंक यू सर आपने इतना अच्छा अच्छा बात बताया, बट ये आप ही का स्टडी है, क्रिटिसाइज करना मेरा राइट है वैसे, लेकिन उस चीज को नहीं, डिक्की ने इतना अच्छा स्टेप किया, बट गवर्नमेंट टिल नाउ आज भी डिक्की का मार्केटिंग करने में डिस्क्रिमिनेशन करता है। आज की प्रेजेंट सिचुएशन में भी डिक्की का किसी भी अपने लोगों में 1% भी, 1% भी किसी बैलेंस शीट में जिक्र नहीं होता कि डिक्की का मार्केटिंग ये हो जिससे लोगों में अवेयरनेस पैदा हो। वो आरएसएस के मंदिर का कर देगा पूरा प्रचार, कुंभ में 4200 करोड़ रुपए दे देंगे, लेकिन डिक्की के लिए सिंगल पैसा भी नहीं देगा कि आपकी इतनी अवेयरनेस जाए सोसाइटी में। फर्स्ट पॉइंट, ये सब पॉजिटिव ही है हमारे लिए कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम अकेले अपने आप इन्वेस्टमेंट करें, और ये हमारे जितने भी यंग बहुजन है उनके लिए है। 500% पे मैक्सिमम आज की डेट में वो असिस्टेंट प्रोफेसर कन्वर्ट हो चुके हैं, सीनियर प्रोफेसर भी हैं और रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं। सब चीजों को कवर नहीं कर पा रहा हूं, बट 500 का मेरा पर्सनल प्राइमरी डेटाबेस रिसर्च है जिसको कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। 500 में से 80% लोगों ने जितने जेआरएफ आरजीएनएफ ये सब लिया और उसको हजम कर गए 2 या 3 साल में। उन लोगों के पास, सिंगल आदमी के पास भी डेफिनेशन नहीं है कि मेरे रिसर्च में मेरे टॉपिक की मेरी 2 लाइन ये है। That's true. एक भी सब्जेक्ट का डेफिनेशन नहीं है, कोई हमारी पीएचडी ऐसी नहीं है, और कोई हमारा रिसर्च पेपर रेयरनेस सब जगह पे है, ऐसा नहीं है जो वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज हुआ हो। हम काम कर रहे हैं नो डाउट, और हम औरों से अच्छा भी करेंगे सबके बावजूद, लेकिन उसके बाद भी हमें पता है कि हम समाज में हाशिए पे हैं, तो हमारा वो कल्चरल इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट हमें अभी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से करें। दूसरा ये है सर कि
जितने लोगों को आरजी ने फॉर जेआरएफ और ये सब चीज मिला, उन्होंने उस पैसे से हो सकता है पेंट शर्ट अच्छी खरीदी हो, मोबाइल अच्छा खरीदा हो, घर वैसा के वैसे यार 30,000 का जो मिलता है तो हम सोचते हैं कि पैसा घर पे आएगा वापिस, लेकिन 40,000 तक हमें वो जेआरएफ और आरजेएफ मिला, लेकिन उस घर में कोई चेंजेस नहीं आया, वो सोशल और कल्चरल वैसे ही बैक बन रहा, और आपको 1,000 स्कॉलरशिप मिलती है पर ईयर, और लास्ट आई थिंक सुखदेव सिंह थोराट जी के टाइम से मिल रहा है, बहुत कम टाइम भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये है मेरा कि फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में बहुजन का जो इन्वेस्टमेंट है, शेयर मार्केट में आपका परसेंटेज 1% है तो आप चेंज क्या करेंगे? शेयर मार्केट में हमारा परसेंट 1% है ओनली, और वो लोग 90% पे है। आप हम सब अच्छी अच्छी ड्रेस में इसलिए आ पाए हैं क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसी थी वो सैलरी बेस ही है, हम लोग जो आगे आए वो सैलरी बेस्ड पॉलिसी के थ्रू आए, और ये सच्चाई है, मानना पड़ेगा, इसको कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सिचुएशन क्रिएट की वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट था कि रिजर्वेशन मिले, वो इसीलिए था कि एक लेवल पे आके अगर थोड़ा सा भी फाइनेंशियल इंक्लूजन डेवलप हो गया तो आप वो काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते, बिकॉज आपके पास एक फिक्स साइकोलॉजी बैठी है कि मेरी पर मंथ इतनी सैलरी आनी है, तो मैं एक थोड़े से तरीके से फ्रीडम के साथ अपने आप को खुल के पब्लिक में समाज में पेश कर सकता हूं। नेक्स्ट हो गए इसी में है सर, पॉलिटिकल शेयर कैपिटल हमारा बिल्कुल जीरो है, म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैक्सिमम हमारे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं LIC पॉलिसीज में है, सब चीजों में है, बहुजन का इसमें भी रेशियो 2% तक है, वो भी गलती से कहीं पॉलिटिकल सॉरी LIC वगैरह इस टाइप के एजेंट बन गए तो नौकरी नहीं की, रिसर्च है। नेक्स्ट है सर, मैं खुद उसमें होल्डर हूँ, जब पेट्रोल पंप निकले थे डीके के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पेट्रोल पंप आया था, उसमें एक पेट्रोल पंप बाय चांस लड़की मैं भी था, लेकिन वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया क्योंकि उसकी भी टर्म एंड कंडीशन वैसी ही थी जिसमें एक नॉर्मल गरीब आदमी उसको फेस नहीं कर सकता। देर इज ओनली 2 पेट्रोल पंप ऑन दैट टाइम, वन इज द मिस्टर अशोक कुमार आर्य फ्रॉम हरियाणा MD यूनिवर्सिटी रोहतक एंड सेकेंड इज मी, because this type of allotment on behalf was the post graduation on that time, ye jo allotment tha wo post graduation ke base pe tha, ek ye tha sir, to mera simple ek study tha ki jo bahujan hamare SC ST OBC communities uska investment ka profile hai kya, hum ja kahan pe rahe hain, aapke paas saving nahi hai, aapke paas proper saving nahi hai, to at least apne shabd ki hi saving kar lijiye, एकेडमिक्स की सेविंग कर लीजिए, रिसर्च का सेविंग कर लीजिए, फाइनेंशियल सेविंग सब चीजें नहीं है, जितना सेविंग आप करेंगे वो वापस रिटर्न मिलेगा, सेल्फ इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, दुनिया का कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है जो सेल्फ इन्वेस्टमेंट से अच्छा रिटर्न करेगा, आप अपने ऊपर जितना खर्च करेंगे, जितना पॉजिटिव खर्च करेंगे आपको उसका रिटर्न मोर देन 100% रिटर्न मिलेगा, और ये आपके सामने जितने हमारे बहुजन लीडर्स हैं उसके सब वो आपको भली बात इस चीज को क्लियर भी कर रहे हैं, जितना उन्होंने किया उसका ज्यादा हम लोगों को मिल रहा है, उसका इफेक्ट उनको तो मिल ही रहा है, हमें उनसे ज्यादा मिल रहा है क्योंकि हम लीडर होके उस जो हमें मिला है अपनी विरासत में उसको एक्सपोज भी कर रहे हैं और एक्सप्लेन भी कर रहे हैं साथ में। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।